अपोजिशन वाले मुझे जानते नहीं, मीनारे पाकिस्तान पर जितने जलसे कर ले हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान डट गए, कहते हैं चाहे मेरी हुकूमत चली जाए एहतसाब नहीं रुकेगा, एहतसाब पर कोई समझौता नहीं होगा। खुद उनका सारा खानदान बाहर बैठा है, अवाम को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें अवाम की फिक्र है, तर्जमानों का इजलास में फैसला हुआ, अपोजिशन के जलसों में ताकत के इस्तेमाल से ग्रेस का फैसला। कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हर सूरत होगी, जलसों को सर्विस देने वालों के खिलाफ पर्चे कटेंगे। उठोगी नहीं, तुम्हारी मम्मी होती तो? मम्मी होती तो बड़ा सुनाती, रोज घर लेट क्यों आती, कोई क्यूट सेल्फी क्यों नहीं लगाती। घर का स्वाद यहाँ है कुरकुरे, कुरकुरे मसाला मंच, घर जैसे मजेदार मसालों का स्वाद, घुट जाए तो फैमिली बन जाए। कैसी लग रही हूँ? मैलसी थाना मीरापुर के हदूद में बस्ती कोटली जुनेद में मोहम्मद सरफराज अराई के 4 साल मासूम बच्चे से ज्यादती। मासूम बच्चे से ज्यादती करने वाला मोहम्मद यकूब की उम्र 20 से 22 साल है। मासूम बच्चे की हालत तशवीशनाक, अहले इलाका का पर्चा दर्ज ना कराने पर सरफराज अहमद पर दबाव। थाना मीरापुर की पुलिस इस तमाम सूरत हाल से ला इल्म रही, बच्चे की हालत शदीद खतरे में। तहलका न्यूज ने इस वाक्य का पर्दाफाश कर दिया। याकूब वल्द अब्दुल सत्तार ने मोहम्मद सरफराज को मुकदमा दर्ज कराने पर कत्ल की धमकियां दे डाली। सरफराज की वजीर अला पंजाब, आईजी पंजाब, डीपीओ विहाड़ी, डीएसपी मेलसी से कार्रवाई का मुतालबा। जी जानते हैं तहलका न्यूज के जिले ब्यूरो चीफ मारामीन से। जी मार साहब बताइए, ये कोटली जुनेद में 4 साल मासूम बच्चे के साथ ज्यादती का वाकया कैसे पेश आया? जी मुस्कान, सूरत हाल ऐसे है कि थाना मीरापुर का इलाका है, कोटली जुनेद के रिहायशी सरफराज अराई वल्द हाजी मुश्ताक अहमद का 4 साल मासूम बच्चा है जिसके साथ ज्यादती हुई है। ये मेरे जराए कन्फर्म कर रहे हैं कि ज्यादती करने वाला मोहम्मद यकूब, उसका वालिद अब्दुल्ला अराई है, उन्होंने ये एक को प्लान बनाया, प्लान के तहत उनकी कोई मुखालफत थी। मेरे ज़रा ये कंफर्म करते हैं उस मुखालफत के साथ उन्होंने ये बच्चे को इस्तेमाल किया है, मासूम बच्चा है 4 साल जिसके साथ ज्यादती की है। बच्चे की हालत मेरे ज़रा कहते हैं कि बहुत इस टाइम ख़तरे में है, बच्चे को ब्लड आ रहा है, ब्लड नहीं कवर हो रहा। 4 साल मासूम बच्चे को वरगला के मोहम्मद यकूब किसी वीरान जगह पर ले गया, वीरान जगह पर लेकर उसका मुँह बंद किया, मुँह बंद करने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती की, ज्यादती की और ज्यादती करके उसे वहीं फेंक कर चला गया। और 4 साल मासूम बच्चे की हालत इस टाइम बहुत तफीशनाक है, ब्लड आ रहा है, बच्चे की हालत खतरे में है, कोई उसका पैरोकार नहीं है। जी